Hello students, in this video we will learn about sexual reproduction of wallwax. Last video में हमने wallwax का asexual reproduction पढ़ा था, यहाँ पे हम उसका sexual reproduction पढ़ने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कि wallwax में sexual reproduction किस type का होता है। तो sexual reproduction is of oogamous type। अब यहाँ पे oogamous जो word आया है उसका क्या मतलब होता है? Oogamous word का मतलब होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मोटाइल होगा। मोटाइल यानी कि उसमें मूवमेंट होगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है यानी कि एंथ्रीडियम जो है वो मूवेबल है, वो अपनी जगह से मूव कर सकता है, मोटाइल नेचर का है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ऊगोनियम, वो इमोबाइल है यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। तो ऊगैमस का मतलब आप समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा, कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडियम वो मूव करेगा और ऊगोनियम जो है वो अपनी जगह रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अब आता है एंथ्रीडियम की बात, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं? एंथ्रीडियम को बोलते हैं। वॉल्वॉक्स में अ फ्यू सेल्स एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द सिनोबियम। वॉल्वॉक्स में क्या है? एक सिनोबियम है, एक कॉलोनी है। तो उस कॉलोनी के जो पीछे साइड के सेल हैं, पोस्टीरियर साइड के जो सेल हैं, वो जो है कुछ बिकम्स स्पेशलाइज्ड, वो कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं। दे रिट्रैक्ट देयर फ्लैजिला और वो अपने फ्लैजिला को वापस कर लेते हैं, रिट्रैक्ट कर लेते हैं एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग माइटोटिकली। और उसमें क्या होता है? उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जो कुछ सेल जो है पोस्टीरियर साइड के सिनोबियम के वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के जो कुछ पोस्टीरियर साइड के जो सेल हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो अपने फ्लैजिला को रिट्रैक्ट कर लेते हैं यानी वापस ले लेते हैं, यानी उसमें फ्लैजिला नहीं रह जाता और वो डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं माइटोटिकली, जिसमें वो एक सेल से कितने बनते हैं? दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह की स्टेज आती है, फिर सोलह से बत्तीस, बत्तीस से 64 यानी कि 64 और 64 से 120 की स्टेज आती है। अब ये क्या हुआ कि 120 की स्टेज आ गई सेल की। अब ये 120 जो सेल्स हैं फॉर्म एंड अंडरगो इन्वर्जन थ्रू फाइलोपोर। फाइलोपोर एक एरिया होता है, एक अपर्चर होता है थ्रू विच हॉलो जो एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी होती है वॉल्वॉक्स की, वो अपने आप को इन्वर्ट कर लेती है। तो फाइलोपोर एक एरिया है, अभी अभी इस डायग्राम में जानेंगे। तो क्या कह रहा है कि जो 120 की जो सेल स्टेज है वो जो है इन्वर्जन हुआ उसमें, और किससे हुआ वो इन्वर्जन? किसके थ्रू हुआ? फाइलोपोर एक अपर्चर है, एक एरिया है, वहां के थ्रू हुआ। आफ्टर इन्वर्जन द सेल बिकम्स बायफ्लैजिलेटेड। इन्वर्जन के बाद क्या हुआ? जितने भी सेल थे वो बायफ्लैजिलेटेड हो गए यानी कि उनमें फ्लैजिला आ गए। कितने? दो। बाय मतलब दो। ईच सेल मॉडिफाइड इंटू लॉन्ग स्पिंडल लाइक बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। अब वो हर एक सेल मॉडिफाई हुआ लॉन्ग स्पिंडल की शेप में और वो बायफ्लैजिलेटेड है जिसको एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। दीज एंथ्रोजॉइड्स कम आउट ऑफ द पेरेंट कॉलोनी इन अ क्लस्टर। और ये एंथ्रोजॉइड जो है एक क्लस्टर में जो है पेरेंट कॉलोनी से बाहर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम की बात करते हैं। तो ये पोस्टीरियर साइड के सेल हो गए वॉल्वॉक्स की सिनोबियम के। तो जैसे कुछ सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म के हुए, उनको आर्थ्रोगोनिडियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेल में डिवीजन शुरू हुआ, दो से चार, चार से आठ और फिर कितनी हुई? टोटल जाके 120 सेल की स्टेज बनी। अब 120 सेल की स्टेज जो बनी है वो अभी उनके जो ओपनिंग कह लें या जो इंटीरियर जो पार्ट है वो सेंटर की साइड को है। फिर उसके बाद, इसके बाद क्या होता है, 120 सेल के बाद एक इन्वर्जन की प्रोसेस होती है। यानी कि इन्वर्जन क्या मतलब? वो सारे उल्टी साइड को हो जाते हैं, अपोजिट साइड को हो जाते हैं और वो किस ओपनिंग के थ्रू होते हैं? एक अपर्चर है जिसको फाइलोपोर बोलते हैं। इस अपर्चर के थ्रू जो है उनमें इन्वर्जन हो जाता है और इन्वर्जन होने के बाद उनमें फ्लैजिला आ जाते हैं। फिर इस इन्वर्जन के बाद बाई फ्लैजिलेटेड कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे देखिए आप, दो दो फ्लैजिला जो है हर डॉटर जो है सेल में आ गए। अब ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये सेल जो है एंथ्रीडियम कहलाएगा और ये जो बायफ्लैजिलेटेड जो सेल बने हैं स्पिंडल शेप के, लॉन्ग स्पिंडल शेप के, इनको बोलेंगे एंथ्रोजॉइड्स। और ये एंथ्रोजॉइड्स जो है ये पेरेंट कॉलोनी से पूरी पूरी क्लस्टर में बाहर आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि एंथ्रोजॉइड्स जो है यहां तक बन चुके हैं।
अब बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या आता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं ओगोनियम को। हमने पढ़ा है कि वॉल्वॉक्स में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप का है, यानी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो इमोबाइल है, अपनी जगह से वो नहीं हटेगी, वो उसमें मूवेबल नहीं है, वो उसमें मोटिलिटी नहीं होती। तो क्या होता है कि अफ्यू सेल ऑन द पोस्टीरियर साइड बिकम्स स्पेशलाइज्ड, जो पोस्टीरियर साइड के कुछ सेल है वो स्पेशलाइज्ड हुए, उन्होंने भी अपना फ्लैजेला रिट्रैक्ट किया एंड एनलार्ज, और थोड़े बड़े हुए, अपना साइज जो है वो इंक्रीज किया। दिस सेल इज नोन एज गाइनोगोनोडियम, उस सेल को बोलते हैं गाइनोगोनोडियम। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, अभी यहाँ पे आप पहले जान लें, इट डज नॉट अंडरगो डिवीजन, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता, वो जो एक एनलार्ज सेल बना है उसमें कोई डिवीजन फर्दर नहीं हो रहा। द होल सेल स्टार्ट फंक्शनिंग एज ओस्पोर, जो पूरा का पूरा सेल है वो पूरा का पूरा सेल जो है ओ स्पोर की तरह बिहेव करेगा, फंक्शन करेगा। ओस्पोर यानी एग को बोलते हैं। अ रिसेप्टिव स्पॉट डेवलप्स इन द एग विच इज कलरलेस, एक रिसेप्टिव स्पॉट डेवलप होता है सेल में। जैसे सपोज करिए ये ओस्पोर है, इसमें एक रिसेप्टिव स्पॉट जनरेट होगा, डेवलप होगा एग में, जो कि कलरलेस होता है। द एंथ्रोजोइड एंटर्स द एग थ्रू दिस रिसेप्टिव स्पॉट, जब एंथ्रोजोइड्स जो है वो आते हैं तो वो इसी रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू जो है एंट्री करते हैं, यानी कि रिसेप्टिव स्पॉट जो है एक गेट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो इमोबाइल नेचर का है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता, वो अपनी जगह पे रहता है, और वो जो है एनलार्ज होता है, उसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता, वो पूरा का पूरा सेल जो है ओस्पोर की तरह फंक्शन करता है। फिर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के। अब आता है फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। फर्टिलाइजेशन में क्या है कि इधर एंथ्रोजोइड्स भी रेडी हैं, ओगोनियम भी जो है ओस्पोर बना चुका है, एक्सेल में जो है एक्सेल की तरह फंक्शन कर रहा है, तो अब फर्टिलाइजेशन का टाइम आ गया। तो मेनी एंथ्रोजोइड एंटर द ओगोनियम, बहुत सारे, हमने बताया था कि एंथ्रोजोइड जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में निकलते हैं, यानी कि पूरा पूरा क्लस्टर बनता है, पूरा पूरा गुच्छा बनता है, तो उस पूरे क्लस्टर के साथ जो है ओगोनियम में एंटर करते हैं। एंटर किधर से करेंगे? रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू एंटर करेंगे। बट ओनली वन इज सक्सेसफुल इन फर्टिलाइजिंग द एग, लेकिन ये बहुत सारा जो क्लस्टर आ तो रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ कोई एक ही सक्सेसफुल होगा जो एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, यानी कि जो फ्यूजन होगा एंथ्रोजोइड का वो किसी एक ही एंथ्रोजोइड से एग सेल का फ्यूजन होगा, बाकी सारे जो है वेस्ट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट जायगोट इज फॉर्म, अब जब फ्यूजन हो गया है एंथ्रोजोइड जो है ओगोनियम ओस्पोर से, यानी कि एग सेल से जो है फ्यूज कर गया, तो जो है क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये क्या बना, जायगोट बन गया। जायगोट जो है टू एन कंडीशन होती है, यानी कि दो जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, भाई एक न्यूक्लियस एंथ्रोजोइड का आया, एक ओगोनियम का है, तो यहाँ पे जो है जायगोट जो है टू एन की कंडीशन बन गई, तो जायगोट बन गया। द सरफेस बिकम्स रफ, उसकी सरफेस कैसी है जायगोट की, एकदम रफ है सरफेस जो है जायगोट की, वो एकदम रफ हो गई। बिकम्स एंड इट बिकम्स थ्री लेयर थिक, और वो बहुत ही थिक है, तीन लेयर की थिक है, एंड बिकम्स रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमाटोक्रोम, और जो है वो किस कलर की हो गई, रेड कलर की हो गई। क्यों रेड कलर की हो गई, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हिमाटोक्रोम, जो कि रेड कलर का होता है, इसलिए वो जो लेयर है वो जो है रेड कलर की हो गई। द जायगोट कम्स आउट ऑफ द पेरेंट कॉलोनी एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, फिर उसके बाद जायगोट जो है पेरेंट कॉलोनी से बाहर आ गया, और जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, जो भी वाटर बॉडी में फ्रेश वाटर एल्गा है, तो जिस भी फ्रेश वाटर बॉडी में ये प्रेजेंट होगा वहां की बॉटम पे जाके ये बैठ जाएगा, सेटल कर जाएगा। फिर उसके बाद आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी के कुछ टाइम बाद इट अंडरगो मियोटिक डिवीजन, डोरमेंसी के बाद जो है क्या होगा, कुछ पीरियड के बाद जो है उसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन के बाद फॉर्म्स अ न्यू वॉल्वॉक्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर उसके बाद वही जो है मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, वो वॉल्वॉक्स एक नया वॉल्वॉक्स बनाएगा, वो जो जायगोट है वो एक नया वॉल्वॉक्स बनाएगा, किसके थ्रू, बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे डायग्राम भी देख लेते हैं कि सबसे पहले वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं कि ये क्या था, गाइनोगोनिडियम, जिसमें क्या है ओगोनियम था। ओगोनियम में क्या है, इस ओगोनियम में क्या है, ओस्पोर बना, यानी कि एक्सेल बना। एक्सेल में क्या है, रिसेप्टिव स्पॉट है। वैसे तो रिसेप्टिव स्पॉट कलरलेस होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको शो करने के लिए उसको रेड कलर कर रखा है, ताकि आपको पता चल जाए, डिफ्रेंशिएट कर दें।
तो रिसेप्टिव स्पॉट होता है वैसे कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता उसका। तो ये जितने भी एंथ्रोजॉइड्स हैं, जो भी जो क्लस्टर के फॉर्म में एंथ्रोजॉइड आ रहे हैं, वो किसके थ्रू एंटर करेंगे, इसी गेट के थ्रू, इसी रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू एंटर करके और एग सेल में आकर के यहाँ पे फ्यूजन कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये स्टेज कौन सी है, फर्टिलाइजेशन की। और इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, जाइगोट होता है, जो कि 2N की कंडीशन होती है। और यही जाइगोट जो है कुछ टाइम के बाद जो है एक नया वॉल वॉक्स बनाएगा, उसमें मियोटिक डिवीजन होगा, वो वॉल वॉक्स बनाएगा। तो यहाँ पे जो है वॉल्वॉक्स की स्टोरी होती है खत्म। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, सारे टॉपिक क्लियर हो गए हों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा हुआ हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। थैंक यू।